बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सेस डिमांड। बच्चों, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मार्केट में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, और हमारी इकोनॉमी पहले कहाँ पर ऑपरेट होती है बेटा? फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आप कहोगे, सर ये कैसी सिचुएशन है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम है। ये एक हमारी एक इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, एग्जैक्ट कई बार मार्केट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आप एक ग्राफिक बिहेवियर समझें, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। जहां एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और ये हमारी इकोनॉमी में इनकम है, दैट इज एडी एंड एएस, और यहां पे इनकम। बच्चों, जब एडी ज्यादा होगा तो एडी हमारा अपवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में नया पॉइंट एडी डैश आ जाएगा, और ये जो एडी डैश का नया पॉइंट ईवन है, याद करो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? ओवर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ई क्या कहलाता है बेटा? फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बड़ी बात क्या है, जो हमारा फुल लेवल है और जो हमारी कंट्री का ओवर फुल लेवल है, उनके बीच में जो ये ट्राइंगल मैंने आपको एक गैप बताया, इस गैप को हम कहते हैं बेटा, कौन सा गैप है ये? इन्फ्लेशनरी गैप। और इसी इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से हमारी इकोनॉमी में गुड्स का प्राइस बढ़ रहा होता है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई। पहले हमारी इकोनॉमी में इनकम का लेवल कितना था बेटा? ओ वाई, वो बढ़कर अब कितना हो गया बेटा? ओ वाई वन। अगर कंट्री में इनकम का लेवल बढ़ेगा तो गुड्स को क्या बेटा? खरीदने की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर गुड्स के प्राइस बढ़ा देगा और इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा, सर इन्फ्लेशनरी गैप का डिफाइन क्या करेंगे आप? इन्फ्लेशनरी गैप बेटा एक ऐसा गैप है जो कि फुल लेवल और किसके बीच में? ओवर फुल लेवल के बीच में एक गैप को शो करता है, जिसमें गुड्स के प्राइस लगातार जनरल प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ता है। यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, सर इसके रीजंस क्या है? आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एक्सेस डिमांड आता है? तो बेटा, एक्सेस डिमांड के आने का केवल एक ही रीजन है, जब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए बच्चों? बढ़ जाए। और याद करो, मैंने एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट पढ़ाए थे। जो बच्चा मेरी पहली क्लास से इस चैप्टर को सुन रहा है, उसे मालूम होगा एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं भाई? एक होता है सी आई जी, और क्या होता है? एक्स माइनस है। अगर बेटा इन चारों में से कोई सा भी एलिमेंट बढ़ेगा, चाहे कंजम्पशन बढ़े, चाहे इन्वेस्टमेंट बढ़े, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या नेट एक्सपोर्ट, इन चारों में से कोई भी एलिमेंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली मेरा क्या इंक्रीज हो जाएगा बेटा? एडी। और एडी के ज्यादा होने से इकॉनमी में कौन सी सिचुएशन आती है? एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ? एक्सेस डिमांड एक वो सिचुएशन है जिसमें एडी इज मोर देन एएस है, और ये इकॉनमी में इन्फ्लेशनरी गैप लाती है। इसके रीजंस हमें पता है। क्वेश्चन आता है, सर इसके इम्पैक्ट क्या है? अगर मैं इसके इम्पैक्ट या इफेक्ट की बात करूं, तो सर इसके इम्पैक्ट या इफेक्ट बेटा दो तीन तरीके के होते हैं। अगर तीन चीजों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे पहले पड़ेगा आउटपुट पर। मैं क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे से एक बात पूछ रहा हूँ, सोच के देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मार्केट में डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, तो क्या प्रोड्यूसर और आउटपुट को बढ़ाएगा? मार्केट में डिमांड क्या है? ज्यादा, और सप्लाई क्या है? तो दुकानदार और प्रोडक्शन करेगा, नहीं करेगा? करेगा। क्या कर पाएगा? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पहले से ही कहाँ काम कर रही है? जब इकोनॉमी के पास पहले से सभी लोगों के पास रोजगार के लिए काम है, तो ये इमीडिएट सिचुएशन होने के कारण कोई बंदा चाहकर भी किसको इंक्रीज नहीं कर सकता? आउटपुट को। क्या बेटा वो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इकोनॉमी सेम रीजन किस पर काम कर रही है? फुल पे। बेटा क्या हमारी कंट्री में प्राइस बढ़ेगा? अरे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा भाई? प्राइस बढ़ेगा, और इसी की वजह से कंट्री में क्या क्रिएट होता है बेटा? इन्फ्लेशन। मतलब देखो, अभी तक की कहानी मैंने जो बोली है, उसमें दो से तीन बड़ी बातें बताई हैं। सबसे पहली जो बड़ी बात है, वो किसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ? एक्सेस डिमांड। देन मैंने उसका क्या बताया बेटा आपको? एक ग्राफ। और उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, रीजन, और एक क्या बताया बेटा? इम्पैक्ट। फिर आएगा इसको कंट्रोल कैसे करते हो, बाद में बताऊंगा। ऊपर पहले हेडिंग डालो, बंसल नींद खोलो, लिखो एक्सेस डिमांड। बड़ी झटके ले रही हूँ करें। हाँ बेटा कोई बात नहीं, डिसिप्लिन खाओ। एक्सेस डिमांड लिखना, इट रेफर्स टू द सिचुएशन। एक्सेस डिमांड क्या है बच्चों? इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच, इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई
इन विच एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एंड इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट कहां पर बच्चों फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट लाइन से लिखना बच्चों ज्यादा होगा हाँ एडी ज्यादा हो क्या हाँ मैं समझ गया तू क्या कह रही है. नेक्स्ट लाइन लिखना क्या बोल रहा था मैं हाँ फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखना ड्यू टू एक्सेस डिमांड. नेक्स्ट लाइन से लिखना ड्यू टू एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएटेड इन द इकोनॉमी देश के अंदर महंगाई पैदा हो जाएगी बेटा इन्फ्लेशन आ जाएगा. इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या उसकी डेफिनेशन लिखना. इन्फ्लेशनरी गैप नीचे एक टर्म लिख लेना इन्फ्लेशनरी गैप वन मार्क में कई बार पूछ भी लेगा वो. इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता लिखें. इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन बहुत बेसिक सी बुनियादी सी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में. इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फुल और ओवर फुल के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं बच्चों इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं. फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठीक है. उसके बाद ये ग्राफ बना लो बेटा फटाफट इन्फ्लेशनरी गैप प्लॉट करो. पहले आप ए एस कर्व बनाएंगे अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री का. देन यू हैव टू मेक एडी जहां एडीएस कट करेगा दिस इज कॉल्ड फुल लेवल. जैसी एडी इंक्रीज हो गया देन एडी कर्व शिफ्ट अपवर्ड एंड न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन एट E1 विच मेक इनकम इंक्रीजेस OY टू OY1. द गैप बिटवीन फुल एंड ओवर फुल लेवल इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप विच आर drawn in this particular diagram. So you have to see and make in correct way. हाँ भाई ईशान हर्षित हर्षित कह रहा हूं क्या नाम है अश्मित डायग्राम समझ आ गया बेटा. हाँ जी सर. यार तू बहुत अच्छा लड़का है. सिमर आवाज आ रही है. यस सर. तू और भी अच्छा लड़का है. ईशान तेरे को सुनाई दे रहा है. यस सर. तू इन सबसे खतरनाक है. सारे अच्छे बच्चे हैं बेटे बट जो नहीं आए ना उनके लिए मुझे दुख हो रहा है. काफी बच्चे नहीं आए बेटा. सिमर मालूम है आज क्लास में कितने बच्चे एबसेंट है. नो सर. सारे एबसेंट है. तीन बच्चे आयो केवल तुम. ऑफलाइन में कोई नहीं बैठा हुआ है. सर दिख रहा है सर एक तो यहीं से दिख रहे हैं सर एक तो. क्या देख रहा है कहाँ दिख गया भाई. अच्छा बेटा मैं समझ गया. चल ठीक है बॉस ये सब देख ले और हम तेरे को बोले कैमरा ऑन कर ले तो मुंह से डाल लेता है. चल कोई बात नहीं देख ले. करो करो शाबाश जल्दी करो भाई. सर हाँ जी बॉस बताइए. इससे पहले वाला चैप्टर फिर से कराओगे. नहीं नहीं बेटा मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है ना. मैं तो खाली बैठा हूँ बेटा. माता की सर करवा देना. बदतमीज करूंगा. करा दूंगा बेटा करा दूंगा टेंशन मत. कई बार कराऊंगा मगर इसका देख नाजायज फायदा मत उठाइयो बेटा. ठीक है बेटे खुद भी पढ़ाई करनी होती है. सब कराऊंगा जिसका जो रह गया टेंशन मत लो यार. अभी तो फर्स्ट राउंड है काफी राउंड चलेंगे. अभी हो गया आगे बढ़ सकता हूँ. चलिए उसके बाद लिखना बेटा अगर ये डायग्राम आपने प्लॉट कर लिया तो अश्मित मेरे भाई लिखना रीजन फॉर एक्सेस डिमांड. आखिर ये एक्सेस डिमांड आ क्यों रहा है. क्या वजह है एक्सेस डिमांड के आने की. एक्सेस डिमांड के आने की पहली वजह लिखना रीजन. फर्स्ट इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब मैं ये नहीं बताऊंगा ये क्या होता है क्यों होता है. पहले हम लोग कर चुके हैं कंपोनेंट के टाइम मैंने बताया था. इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर सेकेंड हाँ लिख लो फटाफट. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट.
ये वो चारों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट। सर दूसरा क्या था? अरे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ये चारों बढ़ जाएं तो। चलो सर, नहीं डिक्रीज होगा तो एडी फॉल हो जाएगा ना बेटा, हमें तो एडी राइज करना है, जबी तो एक्सेस डिमांड आएगा। आइए, हाँ बेटा बंसल, पिछले साल, अच्छा हाँ अच्छा पिछले साल 11th की बात कर रही है, हाँ बोल। हाँ इसकी भी बहुत अजम्पशंस हैं, बट वो अजम्पशन में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तीन अजम्पशन लिखवा दूंगा, कुछ समझना है तो वो मेंशन कर देना, सब में सेम है, क्योंकि सबके हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्लासिकल एंड केन्सियन दो थ्योरी है, उसमें से केन्सियन हम अभी कवर कर ले हैं सर। लिखें इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, हेडिंग डालकर लिखना, इम्पैक्ट क्या पड़ता है सर, एक्सेस डिमांड अगर मार्केट में आ जाए तो क्या होगा, मेरा क्वेश्चन है एक्सेस डिमांड का क्या इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, पहला पॉइंट लिखना एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट, फर्स्ट लिखना इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट पर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट ऑन क्या बेटा आउटपुट, लिखें लिखें लिखें, एक्सेस डिमांड डज नॉट इफेक्ट, एक्सेस डिमांड डज नॉट इफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट, एक्सेस डिमांड डज नॉट इफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग, एक्सेस डिमांड डज नॉट इफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज, क्यों नहीं करता बेटा, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट कहां पर बच्चों, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारी इकोनॉमी चाहती है कि एक्सेस डिमांड में हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, बट चाहकर भी नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि इकोनॉमी पहले से ही कहां काम कर रही है, फुल लेवल पे। पॉइंट नंबर सेकेंड, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट लिखना बेटा इफेक्ट ऑन आउटपुट, सॉरी इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड पॉइंट, सिमिलर स्टेटमेंट लिख दो बेटा, सेकेंड पॉइंट भी यही है, पहला तो मैंने बता दिया कि सर आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, सेकेंड बात है बच्चों इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो आपको मैं बताना चाहता हूं एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम सेम स्टेटमेंट लिखो, आउटपुट की जगह एम्प्लॉयमेंट कर दो, बस सेम है बच्चों, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सेम लिखना है, देयर डज नॉट इफेक्ट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां जहां आउटपुट था वहां एम्प्लॉयमेंट करते जाओ। थर्ड है प्राइस इफेक्ट और जनरल प्राइस लेवल, ये तो ऑब्वियस बढ़ेगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सिमिलर नेचर का है तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप उसे स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खुद कनेक्ट कर सकते हैं। लिखना इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल, इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल, इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल लिखना बेटा, एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन प्राइस, एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन प्राइस, ब्रैकेट में लिख लेना नोन एज इन्फ्लेशन, हाँ थर्ड पॉइंट है, एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन प्राइस, ब्रैकेट में लिख लेना नोन एज इन्फ्लेशन एज एडी इज मोर देन एस, नोन एज इन्फ्लेशन एज एडी इज मोर देन एस। तो बच्चों जितने भी बच्चे अभी तक आप चीजों को समझ रहे हो तो आपको सबको समझ आ गया होगा कि भाई साहब एक्सेस डिमांड के आने से हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ही अजीब गजीब प्रॉब्लम पैदा हो जाती है जिसको हम प्राइस बढ़ना बोलते हैं, और ये भी इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ गई है, तो बेटा ज्यादा इन्फ्लेशन आना देश के लिए अच्छी बात नहीं है, अगर हमारे देश में महंगाई ज्यादा होगी तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम होगा, तो हमारी गवर्नमेंट चिंता करती है, हमारी देश की सरकार सोचती है यार हम इस एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कैसे करें, तो इस एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हमारी इकोनॉमी में दो तरीके के मैकेनिज्म है, हमारी गवर्नमेंट दो तरीके की चीज, गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके इसको कंट्रोल करता है, बेटा हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती है इसको कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाती है भाई, और इस पॉलिसी का नाम होता है फिस्कल पॉलिसी, याद रखना ये फिस्कल पॉलिसी वो है जो हमारे देश की कौन मेंटेन करती है बेटा, गवर्नमेंट, और वो भी अपनी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे बनाती है, इसलिए इसको हम बेटा बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, ये हमारी कौन सी पॉलिसी होती है बेटा, बजटरी पॉलिसी।
दूसरी साइड हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, कौन बेटा? आरबीआई। और इसके मैंने फंक्शन और कंट्रोल क्रेडिट कराए था ना, वो सब यहाँ पर यूज होने वाला है। आरबीआई हमारे देश का सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बोलता है यार गवर्नमेंट तू परेशान मत हो भाई, तू अकेला देश के लिए अंदर इन्फ्लेशन नहीं ला रहा, मैं भी अपने कुछ स्टेप्स इसको कंट्रोल करूंगा। और आरबीआई इसके लिए जो पॉलिसी बनाता है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप एक बुनियादी सी बात समझ लें, आरबीआई हमारे देश में मनी सप्लाई को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसी से कई बार मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस करता है। तो इन शॉर्ट हमारे देश के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो मैकेनिज्म है बेटा, एक हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है और दूसरी पॉलिसी कौन सी है? मॉनेटरी। तो आज की क्लास में केवल जो मैं कराऊंगा वो फिस्कल पॉलिसी करा रहा हूं बेटा। ये फिस्कल पॉलिसी में तीन मेन पॉइंट है, तीन मेन पार्ट्स हैं, तीनों को ध्यान से सुन लोगे तो आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहला तरीका, सरकार कहती है भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इसके मजे ले लो। क्या लिखा है मैंने? क्या होता है सबको पता है, क्या होता है टैक्स? गवर्नमेंट बजट में पढ़ाया था मैंने, कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कौन पे करता है? पीपल या फर्म पे करती है गवर्नमेंट को। बदले में क्या नहीं मिलता? कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलता बेटा। अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से किसको इंक्रीज कर दे? टैक्स को। तो टैक्स के बढ़ाने से लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, और जो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आ रही है वो अचानक से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट कई बार इसका सहारा ले लेती। दूसरा तरीका बेटा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बेटा किसी बच्चे ने सुना है कभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मीनिंग? गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब है सरकार का खर्चा। हमारे देश की गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है कंट्री के क्या बिल्ड करने के लिए बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी कंट्री के रोड बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बैंकिंग के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, इवन हमारे देश में लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए सरकार को बहुत बड़ा क्या करना पड़ता है बेटा? एक्सपेंस करने पड़ते हैं। और ये सारे एक्सपेंस गवर्नमेंट क्या कहलाती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब सरकार के वो खर्चे जो सरकार लोगों की जिंदगियों को या उनकी इनकम के सोर्सों को बढ़ाने के लिए खर्च कर रहा है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। अब सोच के देखना बच्चों, अगर हमारे देश की सरकार अपनी इन स्पेंडिंग्स के लेवल को क्या कर दे? कम कर दे। सरकार अपने बजट में बोल दे कि भाई मैं ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, लोगों के लिए जॉब नहीं निकालेंगे, तो सरकार के अगर खर्चे कम हो जाएंगे तो लोगों की इनकम भी क्या हो जाएगी? कम। और इनकम कम होगी तो अगेन परचेजिंग पावर कम, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी? कम। तो एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी बेटा? सॉल्व। मतलब दो तरीके हैं एक्सेस डिमांड को सॉल्व करने के, या तो बेटा गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दे या फिर बेटा अपने खर्चों को क्या कर दे बच्चों? कम कर दे। तीसरा तरीका शायद, वाह भाई एक बात बता, देश की सरकार अगर इंफ्रा ना बनाए तो करोड़ों लोगों को रोजगार? रोजगार ही नहीं मिलेगा तो इनकम अपॉर्चुनिटीज कम हो गई ना भाई। सरकार टेंडर निकालती है, सरकार कहती है कंपनी लगाओ मैं तुम्हें फंड दे देती हूँ, तो इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे तो लोगों के पास इनकम सोर्स की सप्लाई होती है ना। एक प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। मेट्रो हमारी दिल्ली के अंदर लग गया तो लोगों को, हजार लोगों को रोजगार मिला ही नहीं मिला? कोई सफाई कर रहा है, कोई इसको ऑपरेट कर, तो भाई वो तो क्या है ना। अच्छा एक बात था, तेरे सर दर्द हो जाता है, मैंने उसको बोला था नींद आ रही है बेटा एक डिस्प्रिन ले ले, तो डिस्प्रिन का साइड इफेक्ट तो है बट क्यों लेते हम? ठीक होने के लिए। देश के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है तो इस छोटी बीमारी को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट करती है। ये सर्जेरियन ऑपरेशन नहीं है, ये केवल एक छोटे से टूल्स हैं जो कई बार ऑप्ट किए जाते हैं और कई बार ऑप्ट नहीं किए जाते। क्या बढ़ता रहेगा? हाँ ये बढ़ता क्या, कम होता रहेगा। जब तो हमारे देश में डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रही है, हमारे देश की ग्रोथ रेट के कम होने के कारण क्या है? सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी जेब से पैसा क्या करती है? निकाल लेती है। अगर सरकार सारा पैसा देश को रिटर्न दे देगी तो अचानक से लोगों के पास मनी फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। वहां क्वेश्चन आ जाएगा हमारे देश में क्या नहीं है फिर पैसा, हम दूसरे देश से उधार लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कभी इन्फ्लेशन होता है तो सरकार अपनी स्पेंडिंग्स को कम करती है और यही वजह है कि हमारी डेवलपमेंट स्पीड बहुत स्लो है। पॉइंट नंबर थर्ड बेटा, एक और तीसरी तरीका हो सकता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। बच्चों डेफिसिट फाइनेंसिंग का केवल मतलब सुन लो, इसका मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। प्रिंटिंग ऑफ क्या बच्चों? न्यू करेंसी। अगर आरबीआई बेटा, आरबीआई पैसा छापता है, किसके कहने पे छापता है? सरकार के। भाई साहब जब तक देश की गवर्नमेंट इन्हें परमिशन नहीं देगा तुम पैसा छापो तो नहीं छापते। और गवर्नमेंट अगर परमिशन दे बट कम अमाउंट की दे तो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई क्या होगी? कम होगा भाई। सर्कुलेशन में अगर पैसा कम आएगा तो इनकम कम होगी, डिमांड कम होगा और हमारी कंट्री की एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा। तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी के तीन टूल रखे हैं। पहला टूल क्या है बेटा? टैक्स को क्या करना है बेटा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसको हमें क्या करना है?
कम करना है, और बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग है इसको भी क्या करना है, कम करना है। आइए ऊपर हेडिंग डालो, रोक देगा, क्या देगा, अभी 6 महीने रुक जा, 3 कम करने के लिए लिखे, वही डिस्प्लिन गोली वाली बात है बेटा। ऊपर हेडिंग डालो, लिखना लिखना, बंसल को जबरदस्त नींद आ रही है, इसकी आंखें बता रही है आज, लिखना बेटा कहां था मैं, हाँ कंट्रोल ऑफ एक्सेस डिमांड, इसमें पहला लिखना फिस्कल पॉलिसी, आज केवल हम ये वाला पैटर्न पूरा कर लेंगे, लिखना बेटा कंट्रोल ऑफ एक्सेस डिमांड, जिसमें पहला पॉइंट मैंने क्या बोला फिस्कल पॉलिसी, लिखना दोस्तों फिस्कल पॉलिसी के बारे में, दीज पॉलिसी आर जनरली मेंटेन, दीज पॉलिसी आर जनरली मेंटेन, दीज पॉलिसी आर जनरली मेंटेन बाय गवर्नमेंट, दीज पॉलिसी आर जनरली मेंटेन, आदित्य क्या बेटे, हाँ बाय गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, दीज पॉलिसी आर मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट्स एंड क्या बेटा एक्सपेंडिचर, दीज पॉलिसीज आर जनरली मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, इट इज ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी, इसको बेटा हम किसके नाम से जानते हैं, बजटरी पॉलिसी, बजट की पॉलिसी के नाम से भी इनको जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी, इट इज ऑल्सो नोन एज बजटरी क्या बेटा पॉलिसी, इसमें लिखना पहला टूल ए पॉइंट डाल लेना, फिस्कल पॉलिसी का पहला तरीका टैक्स रेट, अब मैं थोड़ा सा इसमें लिखवा देता हूं नहीं तो बाद में आप गलतियां करोगे, मुझे पूरा यकीन है, लिखो टैक्स रेट, हाँ सब पार्ट है बेटा, टूल्स हैं, फिस्कल पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है बट इसके अंदर एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या है वो बता रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट लिखना टैक्स रेट, लिखना टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट पेड बाय, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट पेड बाय किसके द्वारा बेटा, हाउस होल्ड एंड फर्म टू द गवर्नमेंट, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट पेड बाय हाउस होल्ड कोमा फर्म टू द गवर्नमेंट, हाउस होल्ड कोमा फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट पर्सनल बेनिफिट फ्रॉम इट, विदाउट पर्सनल बेनिफिट फ्रॉम इट, विदाउट पर्सनल बेनिफिट फ्रॉम क्या बेटा इट, लिखना ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, इसी के आगे नेक्स्ट लाइन से, फर्स्ट टर्म को ही कंप्लीट कर रहा हूं मैं पहले, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड इसी के अंदर है बेटा, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स रेट, सरकार टैक्स के रेट को बढ़ा देगी, गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स रेट विच लीड्स टू इंक्रीज, सॉरी विच लीड्स टू इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखना, विच लीड्स टू डिक्रीज परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ जनरल पब्लिक, विच लीड्स टू डिक्रीज परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ जनरल पब्लिक एंड फॉल इन एडी, जनरल पब्लिक एंड फॉल इन क्या बेटा एडी, अरे पॉइंट समझ आ गया, मैंने सिंपल सी बात बोलिया भाई, सरकार अगर टैक्स बढ़ाएगी तो लोगों की इनकम कम, तो इनकम कम डिमांड कम प्रॉब्लम सॉल्व, सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड वन, हाँ अज्यूम करके चलते हैं, देखो फुल हमारी आइडल सिचुएशन, वी वांट टू अटेन दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बट इकोनॉमी नेवर डू दैट थिंग, कभी हमारे देश में डिमांड ज्यादा होता है कभी डिमांड कम होता है, ड्यू टू दैट रीजन हम डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए फोर्स करते हैं, राइट right? लिखें सेकंड पॉइंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेकंड पॉइंट लिखना बेटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लिखना इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस विच आर मेड बाय गवर्नमेंट, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस विच आर मेड बाय गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, which are made by government on infrastructure development and income opportunities of general public, infrastructure development and income opportunities of general public, कहानी समझ आ गई भाई, गवर्नमेंट रिपीट कर दो, कर रहा हूं बेटा,
मैंने बोला कि लाइन मैंने क्या बोली एक बार देखना। हाँ ठीक है, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर विच क्रिएट क्या बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी। बात आती है कि एक्सेस डिमांड के दौरान क्या होगा, सरकार अपने खर्चों को कम करेगा। लिखना बेटा ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, नेक्स्ट लाइन से लिखना ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट रिड्यूस देयर स्पेंडिंग्स। इसको भले मेजर हेड लिख लेना कि एक्सपेंडिंग हमें क्या करनी है, कम करनी है। गवर्नमेंट रिड्यूस देयर स्पेंडिंग्स सो दैट मनी सप्लाई क्या होगा बच्चों, रिड्यूसेस एंड लीड्स टू फॉल इन एडी। मनी सप्लाई रिड्यूसेस एंड लीड्स टू फॉल इन क्या बच्चों, एडी। मेरे हिसाब से पॉइंट सबको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं है ना भाई, कि सरकार अपने खर्चों को क्या कर दे, कम कर दे। लास्ट पॉइंट आज की कक्षा का, लास्ट पॉइंट डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखो मैं एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं, मिस्टेक मत करना बच्चों। कोई एक आधा केस आपसे पूछा जाता है इनमें से, हाँ इसी का ही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है लिखें इट, ये बेटा इसमें से कुछ भी आ जाएगा, तीन नंबर में आ जाएगा। फिस्कल पॉलिसी कैसे कंट्रोल करता है, या बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप एक नंबर में क्या होता है, इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन बताओ, इसके इंपैक्ट बताओ। ठीक है, हाँ लिखना बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी इन द इकोनॉमी। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस बेटा, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी इन द इकोनॉमी। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी इन द इकोनॉमी, राइट। लिखें बेटा ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड क्या करना चाहिए भाई, पैसे ज्यादा छापें या कम कर दें, कम करना है। पैसा कम छपेगा तो सप्लाई की मनी क्या, मनी सप्लाई क्या होगी, कम, तो कंट्रोल। लिखना बेटा ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट रिड्यूस डेफिसिट फाइनेंसिंग। Which leads to reduce money supply in the economy. And control excess demand. एक्सेस डिमांड। तो देखो बच्चों आज की क्लास को मैं किस डायरेक्शन में लेकर गया हूं, एक बार जल्दी से रिकैप करा रहा हूं। जिस बच्चे को जो समझ नहीं आया वो प्लीज मुझसे पूछ लेना, क्योंकि देखो क्लास को पढ़ने से ही चीजें क्लियर होती हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने बच्चों आपको आज की क्लास में बताया था किसके बारे में भाई, एक्सेस डिमांड। अपनी नोटबुक खोलकर नजर मारते रहना भाई साहब, एक्सेस डिमांड क्या होता है, जिसमें एडी इज मोर देन एएस होता है, और इकोनॉमी कहाँ ऑपरेट होती है, फुल लेवल। देन मैंने यहां पर आपको इसका क्या बताया था, डायग्राम। मुझे लगता है सबको ग्राफ क्लियर हो चुका था बेटा। इस ग्राफ के बाद मैंने इसमें दो मेजर पॉइंट्स बताए हैं, दो मेजर पॉइंट। पहला क्या है कि एक्सेस डिमांड के रीजंस क्या है, किन वजह से आता है, और दूसरा मैंने उसका क्या बताया था, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो है वो तीन चीजों के ऊपर पड़ता है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया था, एक आउटपुट पर, एक एम्प्लॉयमेंट पर, और एक किस पर बेटा, प्राइस। ये दोनों तो अनइफेक्टेड रहती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पहले से ही कहां काम कर रही है, फुल लेवल पे। केवल इसमें क्या चीज बढ़ता है बेटा, प्राइस, जिससे इन्फ्लेशन आता है, राइट। फिर मैंने सेकेंड टॉपिक आज की क्लास का जो मेजर था वो था इसको कंट्रोल करना। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज होती है बेटा, सबको पता है, फिस्कल पॉलिसी और दूसरी कौन सी, अरे कौन सी थी, मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी में याद करो, अभी अभी मैंने टॉपिक खत्म कराया, तीन टॉपिक बताए। एक बताया बेटा टैक्स रेट, तो मुझे टैक्स रेट क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए सर। दूसरा मैंने तरीका क्या बोला, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार क्या कर दे, कम कर दे, और डेफिसिट फाइनेंसिंग भी क्या कर दे, कम। ये वो तीन तरीके हैं जिससे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन शॉर्ट एक्सेस डिमांड का मतलब है देश में पैसे के फ्लो का क्या होना बेटा, ज्यादा होना। क्योंकि पैसा ज्यादा है तो डिमांड भी क्या है, ज्यादा, और डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, जब तो हमारी इकोनॉमी में क्या क्रिएट हो रहा है,
समझ आया? तो आज की पूरी क्लास मैंने इस तरीके से आपको समझाई है, एक बार फटाफट देखें, क्विक रिकॉल करें, कोई डाउट तो प्लीज पूछें। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे को कोई समस्या? हो सकता है कुछ पार्ट पूछे, वो डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कैसे डालता है। वैसे वो पूरा क्वेश्चन कभी नहीं डालता, क्योंकि ये मैंने पूरा टॉपिक कराया है, ना कि ये क्वेश्चन कराया है, समझ रहे हो ना।